हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ये एक नंदी गाड़ी है और इस गाड़ी में एक फॉल्ट आया हुआ है। इस गाड़ी की क्लच प्लेट 15 से 20 दिन मैक्सिमम चलती है, तकरीबन एक महीने तक चल जाती है बस। इसके बाद यह क्लच प्लेट डाउन कर देती है और लोड में गाड़ी नहीं चलती है। तो हम आपको क्लच प्लेट डालने का सबसे बेस्ट तरीका बताएंगे, किस तरीके से आप क्लच प्लेट डालकर अपनी गाड़ी में वो जान 6 महीने तक बना सकते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप समझना कि क्लच प्लेट कैसे डाली जाती है ताकि गाड़ी की जान वही बनी रहे और 6 महीने तक हमें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों, आप वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगी और आपको हम पूरे फिक्स क्लच प्लेट डालने का तरीका बताएंगे। कोई भी गैप रहा तो हमारी क्लच प्लेट नहीं चलेगी। ये इस वीडियो का मेन थीम है कि हमने क्लच प्लेट के अंदर गैप नहीं करना है। और आप वीडियो को फुल वॉच करना, और कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, साथ के साथ आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो मिलते हैं वीडियो के लास्ट में।
दोस्तों हमने कलच प्लेट पूरी फिट कर दी है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया है। अभी जो हमें कमी सामने नज़र आ रही है वो कमी यह है कि इन कलच प्लेटों के अंदर गैप है, और गैप रहेगा तो हमारी कलच प्लेट जल्दी से सड़ जाएंगी, फूक जाएंगी, लोड में गाड़ी नहीं चलेगी, दब के चलेगी। तो हमें एक और प्रेशर प्लेट इसकी बढ़ाएंगे। काफ़ी बंदे बोलते हैं प्रेशर प्लेट बढ़ाने से गाड़ी कलच में चलने लग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने आपकी गाड़ी में समस्या आती हो कि आपकी गाड़ी क्लच में चलती हो, तो आपको जो अपनी क्लच कटोरे के रोलर बैरिंग होते हैं छोटे छोटे छर्रे वाले, उनकी बजाय वहाँ पर रोलर की बजाय बूस लगवाना पड़ेगा, तो आपकी यह क्लच कटोरे की आवाज़ और क्लच में गाड़ी नहीं चलेगी। और गैप हो तो आपको एक प्रेशर प्लेट बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आपकी गाड़ी क्लच प्लेट कम से कम 6 महीने तो चलेगी। यह बात हम फुल गारंटी के साथ कहते हैं। तो वीडियो को फुल और वॉच करना, और भी काफ़ी चीज़ें हम बताएंगे इस वीडियो में।